वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का नाम है आज के टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड अब रेक्टिफायर क्या होता है, विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट कंडक्ट व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट कंडक्ट्स And when diode is reverse biased, it does not conduct। ये हमारा principle है, clear हो गया। आइए construction में सबसे पहले हम ले रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में ये ट्रांसफार्मर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैमिनेटेड आयरन स्ट्रिप्स। ट्रांसफार्मर में हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंडरी कॉइल, ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड और ये इनपुट एसी और ये क्या है हमारे पास आउटपुट डीसी। इनपुट एसी और वो आउटपुट डीसी, ये हमारा सर्किट है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स मैं बता दूं यही वो रेक्टिफायर है जिसका हम यूज करते हैं मोबाइल चार्जर में। ट्रांसफार्मर तो क्या करता है, इसके अंदर एक ये क्या है ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है और डायोड उस अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदल देता है, डीसी में। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। कैसे ये सारा फिनोमेना कैसे होता है, आइए ये लीजिए ये हमारे पास एसी, ये एसी ठीक है, ये टाइम, ये टाइम के साथ ये एसी और यहां पर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, डीसी। कैसे होगा देखो स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, मैंने For first half cycle of input AC, A is considered as positive, A is supposed to be positive and B is supposed to be negative. A is supposed to be positive and B is supposed to be negative. अब जब A plus से है और B किससे है, minus से, तो P plus N minus, तो junction diode is ठीक है, junction diode is forward biased,
जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट यानी जंक्शन डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जब फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कंडक्ट करेगा। मेरी बात समझ गए? लेकिन फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी ए पोलैरिटी चेंज हो गई, ए नेगेटिव हो गया और बी क्या हो गया, पॉजिटिव। पोलैरिटी चेंज हो गई नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ए क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव और बी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब पी माइनस से है और एन किससे है, प्लस से। तब अब क्या होगा, चौथा पॉइंट अब जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड एंड डू नॉट कंडक्ट। तो क्या होगा उसमें, जब कंडक्ट ही नहीं करेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। सच प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड हेंस हाफ वेव रेक्टिफायर convert half waves of AC into DC, यानी कैसे, देखिए लाइक दैट, यानी आधी वेव्स ही कन्वर्ट होंगी और ये जो साइकिल्स हैं इनको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास एक दूसरा रेक्टिफायर है जो सारी की सारी वेव्स को रेक्टिफाई कर देगा और उस रेक्टिफायर का नाम है फुल वेव। क्या कहते हैं इसको, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, उस केस में हमारे पास हमारा जो सर्किट होगा, ये लीजिए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, ये क्या है, इनपुट एसी, ये लैमिनेटेड आयरन स्ट्रिप्स, सेकेंडरी डायोड D1, डायोड D2 और ये रहा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट के लिए और ये आउटपुट। यहां से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट DC। क्लियर है स्टूडेंट्स, सर्किट आप समझ गए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल्स, दो डायोड, यहां पर ए ये है और बी ये है। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ये लीजिए, फॉर ये एसी और ये डीसी, क्लियर है, वो एसी है और ये क्या है हमारे पास, डीसी। क्लियर है, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल
फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, क्या किया, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव। जंक्शन डायोड कौन सा, जंक्शन डायोड डी वन, जंक्शन डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट्स। ये आउटपुट मिल गई हमें, ये आउटपुट मिल गई, किसकी वजह से मिल गई, डी वन की वजह से। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी पोलैरिटी रिवर्स, ए नेगेटिव हो गया और बी क्या हो गया, पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस हो गया, अब कौन सा रिवर्स बायस हो गया स्टूडेंट्स, पहले केस में D1 फॉरवर्ड बायस था, कंडक्ट किया, D2 रिवर्स बायस था, D2 क्या था, रिवर्स बायस था, ठीक है, एंड डू नॉट कंडक्ट एंड नॉट कंडक्ट, और कंडक्ट नहीं किया, और कंडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो जंक्शन डायोड कौन सा, डी वन रिवर्स बायस एंड डू नॉट कंडक्ट, जबकि डी टू क्या है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड कंडक्ट, डी टू क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि पी प्लस से जुड़ा हुआ है और एन माइनस से। अब डी टू फॉरवर्ड बायस हो गया, कंडक्ट करेगा, तो हमें जो नेक्स्ट साइकिल मिलेगी वो किसकी वजह से मिली, डी टू की वजह से मिली। मेरी बात समझ गए, तो सच प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड हेंस फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ऑल वेव्स ऑफ एसी, ऑल वेव्स ऑफ एसी इंटू डीसी, ऑल वेव्स ऑफ एसी इंटू डीसी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, डी वन डी टू, इस तरह से एसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी। हाँ, दोनों रेक्टिफायर चाहे हाफ वेव है चाहे फुल वेव है, दोनों का प्रिंसिपल सेम, दोनों में ही एक बार जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और दूसरी बार रिवर्स। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर रिवर्स, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कंडक्ट करेगा और दूसरी बार रिवर्स हो जाएगा कंडक्ट नहीं करेगा, और इस तरह से हमारी जो एसी है वो डीसी में बदल जाएगी। क्लियर हो गया, डायोड फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या होता है कि जब किसी डायोड, ये रहा डायोड, ये डायोड, और डायोड के ऊपर यानी बेस्ड ऑन लाइट, ठीक है, ये लाइट, ये पी और ये क्या है, तो फोटोडायोड में क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन फोटोडायोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप्स ओवर इनटू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप्स ओवर इनटू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट,
एंड कंडक्ट, क्लियर है? फोटोडायोड इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एज ऑडियो डिटेक्टर, एज ऑडियो डिटेक्टर व्हेन रिवर्स बायस्ड, जब क्या होता है, जब रिवर्स बायस होता है। मेरी बात समझ गए? फोटोडायोड, ठीक है ना, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन फोटोडायोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप्स ओवर इनटू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्शन स्टार्ट। और फोटोडायोड का हम यूज कहां करते हैं? इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एज ए ऑडियो डिटेक्टर। मुझे डिटेक्ट, ऑडियो कौन से होते हैं? लाइट की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? लाइट की फॉर्म में होते हैं। उस लाइट को फोटोडायोड क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फोटोडायोड इज इन रिवर्स बायस्ड। कैसे होगा? रिवर्स बायस होगा, यानी P माइनस से और N को प्लस से, यानी P जो होगा माइनस से और N किस में होगा? प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट यूज है इसका हमारे पास एलईडी, नेक्स्ट यूज है हमारे पास लाइट एमिटिंग, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्ट में एलईडी भी कहते हैं इसको। ये वही एलईडी है जो आजकल हम टॉर्च में या अपने घरों में एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, यानी ये एलईडी बल्ब या टॉर्च में जो एलईडीज है वो भी किसकी बनी हुई है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, डायोड की बनी हुई है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड की, जो बहुत ही ज्यादा, एलईडी जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, चीप है और क्या है, लॉन्ग लाइफ है। पहले जो बल्ब थे वो जल्दी ही फ्यूज हो जाते थे, लेकिन आपने देखा होगा जो हम एलईडी यूज करते हैं इनकी लाइफ भी ज्यादा है, सस्ते भी है एंड कॉम्पैक्ट इन साइज, इनका साइज भी छोटा है। तो एलईडी कैसे वर्क करते हैं, देखो इसका सिंबल, एलईडी का सिंबल कैसा होता है? पहले एलईडी ये हो गई, ये एलईडी, यानी ये एलईडी, ये लाइट, क्लियर है? ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ये कैसे होता है? फॉरवर्ड बायस, यानी जब पी को प्लस से और एन को माइनस से। तो जब व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड होल्स from P type and electrons from N type move towards the junction. Holes from P-type and electrons from N-type move towards the junction. ये P और ये क्या है? N. Move towards the junction. ठीक है? Near the junction, holes
एंड इलेक्ट्रॉन्स मीट आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइज क्या कर देते हैं एक दूसरे को, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नियर द जंक्शन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मीट न्यूट्रलाइज, ठीक है। एंड एमिट लाइट इन विजिबल रीजन, एंड एमिट लाइट इन विजिबल रीजन। दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द प्रोसेस जो कि किसका है, एलईडी का, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, एमिट होती है, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है। स्टूडेंट्स, ये चाहे फोटो डायोड हो चाहे एलईडी हो, अलग अलग डायोड्स के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका नेचर, उनका मटेरियल भी अलग अलग होता है। उनकी डायोड की या सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही उन सेमीकंडक्टर्स को हम या तो फोटो डायोड में यूज कर लेते हैं या फिर हम एलईडीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, इन सब को समझने के बाद आप एनसीईआरटी में से भी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी में कौन कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डायोड के लिए यूज होते हैं, कौन कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स फोटो डायोड के लिए यूज होते हैं, वो सब अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है जेनर डायोड। कौन सा है हमारे पास, जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड ये लीजिए, जेनर डायोड इसका सिंबल, ये जेनर डायोड का सिंबल है, क्लियर है। जेनर डायोड इज ए स्पेशली डिजाइन डायोड, जेनर डायोड इज ए स्पेशली डिजाइंड डायोड which works in reverse breakdown voltage without being damaged। जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रेगुलेटर टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट आउटपुट। कई बार फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं लाइट में, पीछे से वोल्टेज कम ज्यादा हो जाती है, उन फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंट आउटपुट, इनपुट तो फ्लक्चुएट हो रही है लेकिन जेनर डायोड जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, कॉन्स्टेंट आउटपुट देगा। जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि हमारे घरों में, हम अपने घर एयर कंडीशनर में भी के साथ भी वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखे हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडीज हो गई, टेलीविजन, उनके साथ भी हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखे हैं। उस वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट आउटपुट, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जेनर डायोड का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड को हम किस तरह से, जेनर डायोड किस तरह से हम यूज करते हैं, देखो जेनर डायोड का जो यूज है, जेनर सर्किट डायग्राम, ठीक है। जेनर डायोड जिसमें हमने जेनर डायोड को यूज किया है एज वोल्टेज रेगुलेटर। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास,
ये रेजिस्टेंस, ये हमारे पास जेनर डायोड और ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्चुएटिंग इनपुट और ये हमारे पास कांस्टेंट आउटपुट, क्लियर है। ये पी और ये क्या है एन, और रिवर्स बायस कैसे यूज करते हैं हम इसको, रिवर्स बायस कहां यूज करते हैं, विच वर्क्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज विदाउट बीइंग डैमेज्ड। रिवर्स में कैसे यूज करेंगे, जब पी को माइनस से और एन को प्लस से, पी को माइनस से और एन को प्लस से। स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल है स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट स्मॉल चेंज इन वोल्टेज across zener diode produce large change in current and vice versa, ठीक है, it is based on fact that small change in voltage across zener diode produce large change in current and vice versa. सिंपल सा फैक्ट है स्टूडेंट्स, हमने रिवर्स बायसिंग में अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं करंट नहीं बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट एकदम से राइज कर गया, लेकिन वोल्टेज कॉन्स्टेंट रही, और इस कॉन्स्टेंट वोल्टेज को क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। और इसी कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर ही ये पूरा जो जेनर डायोड है, ये वर्किंग जो है इस कांस्टेंट वोल्टेज पर ही वर्क करती है, वोल्टेज कांस्टेंट रह जाती है लेकिन करंट चेंज हो जाता है, देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट। स्टूडेंट्स जब यहां पर वोल्टेज बढ़ जाती है, जब यहां वोल्टेज इंक्रीज होगी, जब यहां वोल्टेज इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यानी इसकी वर्किंग में स्टूडेंट्स मैं बताता हूं, इसकी वर्किंग में क्या होता है, इसकी वर्किंग में क्या होता है, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है, फ्लक्चुएटिंग इनपुट ये इंक्रीज हो गई, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है मैंने अभी बताया ये डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब ये इंक्रीज होगा तो ये कम हो जाएगा, और इसके कम होने से ये कम हो जाएगा, बट जो आउटपुट वोल्टेज है इट बिकम्स नॉर्मल वैल्यू एंड वाइज वर्सा, अगर ये वोल्टेज कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट आउटपुट बिकम्स नॉर्मल, यानी आउटपुट बिकम्स ऑलवेज बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से ये जेनर डायोड वर्क करता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सोलर सेल, आपने सुना होगा सोलर सेल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायोड। सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्ट्स सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर सेल सन से जो लाइट आ रही है
उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी अपने डायोड, ये जो डायोड्स होते हैं सोलर सेल, स्टोर कर लेते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल हो गए, सोलर पैनल हो गए, ये सब किसके बने हुए हैं? All are made up of semiconductors due to their unique characteristics. Forward bias, उसकी characteristics क्या है? Diode की characteristics unique क्या है? Forward bias में conduct करता है, reverse bias में conduct नहीं करता। यही concept पूरे इस applications में involved। तो स्टूडेंट्स इसको और अच्छी तरह इस वीडियो को देखेंगे और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, बुक से एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ें इसको और कोई भी टॉपिक हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एजुसेट का जो कमेंट बॉक्स है आप बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।